स्वागत करती हूँ घर का खाना में। आज हम बनाएंगे चावल के पकौड़े। इसके लिए हमें चाहिए चावल, बेसन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग, गरम मसाला और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम बेसन घोलेंगे, पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालें और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी और लेंगे, बेसन हमने अच्छे तरीके से घोल लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक थोड़ा कम ही डालें। थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम चावल में बाकी के मसाले मिक्स करेंगे। पिंच हींग डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बचे हुए मसाले डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावल में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हम तेल गरम करेंगे। तेल डालेंगे, तेल को गरम कर लेंगे। बेसन को 10 मिनट हो चुकी हैं, अब हम इसमें राइस डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तरीके से मिक्स हो चुका है, तेल गरम हो चुका है, अब हम पकौड़े तलेंगे। अब हम पकौड़े को टर्न करेंगे। पकौड़े को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे एक पेपर पे निकाल लेते हैं। इसी
तरीके से हम बाकी के पकौड़े भी तल लेंगे। पकौड़े को टर्न कर लेंगे और इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें भी हम एक पेपर पे निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारे चावल के पकौड़े। आप इसे चाय के साथ, सॉस के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।